हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाक से भारत पहुंचे परिवार को नागरिकता का इंतजार। बाड़मेर सरहद के उस पार सिंध में अपना सब कुछ छोड़ जान बचाकर भारत में आ बसे परिवार को भारतीय नागरिकता का इंतजार है। तीन देशों के लंबे फासले को पार करने वाला परिवार खुद के लिए नागरिकता का फैसला चाहता है। इन बेबस शरणार्थियों के हाल जानने भी लोग पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान में बेटे की किडनेपिंग के बाद बहु बेटियों को अगवा करने की मिल रही धमकियों से परेशान होकर भारत आए एक परिवार धोरीमन्ना इलाके के रोहिला गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहा है। बाड़मेर भाजपा जिला अध्यक्ष आधुराम मेघवाल ने रोहिला गाँव जाकर इस परिवार से मुलाकात की और हर तरीके की मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पाक विस्थापित संघ बाड़मेर जिला अध्यक्ष नरपत सिंह धारा और अम्बालाल भी साथ मौजूद रहे। पीड़ित परिवार के लोग बताते हैं कि वहां रोज बच्चियों को उठाकर ले जाने की धमकी मिलती है, रोज मारपीट और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, जिससे आहत होकर उन्हें पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा है। पाक विस्थापित संघ जिला अध्यक्ष नरपत सिंह धारा, भाजपा जिला अध्यक्ष आधुराम मेघवाल ने पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार की दर्द भरी दास्तान सुनी। आधुराम मेघवाल ने बताया कि इस परिवार ने पाकिस्तान के जो हालात बताए वो चौंकाने वाले हैं। अब भारत में इस परिवार को कोई समस्या नहीं आए इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही इस परिवार को भारत की नागरिकता मिल सके इसीलिए कोशिश की जा रही है। पाक विस्थापित संघ जिला अध्यक्ष नरपत सिंह धारा बताते हैं कि मेरा परिवार भी पाक विस्थापित परिवार है और मुझे वहाँ के हालातों की अच्छी तरह से जानकारी है। हम इस परिवार की हर प्रकार से मदद करेंगे। यह पाकिस्तानी परिवार नेपाल के रास्ते भारत में करीब 1.5 माह पहले आया था, जो पाकिस्तान में मीरपुर खास का रहने वाला है। परिवार के राजेश मेघवाल व उदाराम अपने परिवार की महिलाओं सहित बच्चों को लेकर पहले पाकिस्तान से दुबई पहुँचे, फिर नेपाल होते हुए भारत में प्रवेश किया है। बहरहाल 10 सदस्यों का परिवार इसी उम्मीद के साथ भारत आया है कि अब यहाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पाक में हुए जुल्म व सितम को लेकर परिवार के लोग अभी डरे सहमे हुए जरूर हैं, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार लगातार उन लम्हों को भुलाने में लगे हुए हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।